नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि ऑपरेटर्स की वजह से यहाँ पर लगातार जो गिरावट है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके जो रीज़न था वो भी दोस्तों मैंने आप लोग को बताया। पर फिलहाल दोस्तों मंडे को लेकर अभी टाइम क्या अपडेट यहाँ पे आने वाला है, और आज दोस्तों जो इस प्रकार यहाँ पे मार्केट में जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली तो फंडामेंटल इतना वीक यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों चार्ट का अभी टाइम क्या संकेत नज़र आ है वो भी यहाँ पे हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और अभी टाइम एक्सपर्ट की क्या राय देखने को मिल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की ओपनिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो 78.60 रुपये के साथ आज की जो इंट्राडे की जो ओपनिंग थी वो यहाँ पे देखने को मिली, अच्छी ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली। पर अभी टाइम जो हाईएस्ट जंप देखने को मिला वो 78.95 रुपये तक का जंप यहाँ पे देखने को मिला। जो डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, 77.55 रुपये तक का यहाँ पे देखने को मिला। पर उस बीच फंडामेंटल में जो बड़ी जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, मार्केट क्लोजिंग की प्राइस तो देखने को मिल रही है वो 77.85 रुपये के यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0.35 पैसे का जो है, लेकिन जो 35 पैसे का जो आज के मार्केट में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और फंडामेंटल अगर यहाँ पे लगातार पिछले 5 दिनों का अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कंपनी में जिस प्रकार क्वार्टर वन में कंपनी को लॉस का 301 करोड़ का यहाँ पे सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से भी कुछ असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिल रहा है उसमें लगातार जो है दोस्तों शेयर होल्डर गलतियाँ पे जो गलतियाँ हैं वो एक टाइम दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले टाइम भी बताया था, गलतियां दोहराने की आवश्यकता आप लोग को है नहीं, क्या गलतियां हैं वो भी दोस्तों आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। पर फिलहाल अगर यहाँ पे पिछले 1 महीने का डेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों 82.60 रुपये तक का यहाँ पे देखने को मिला, 76.30 रुपये से अचानक जो तेजी 2 दिन के अंदर जो देखने को मिली वो अच्छी खासी देखने को मिली थी पिछले टाइम पर। वापस मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली उसके बाद फंडामेंटल कुछ यहाँ पे डगमगाता हुआ नजर आया, क्योंकि दोस्तों कंपनी को क्वार्टर वन में जो लॉस का सामना करना पड़ा। पर अभी टाइम जो देखने को मिल रहा है कि कुछ अपडेट आप लोग को इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताऊं कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मार्केट की जो करंट प्राइस है उस पर तो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, पर उसके अलावा देखने को मिल रहा है कि मार्केट कैप जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी टाइम देखने को मिल रहा है। दोस्तों मार्केट कैप में उतार चढ़ाव बिल्कुल भी नए के बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो भारी सेगमेंट है, जो भारी फंडामेंटल उस पर ही गिरावट नजर आ रही है। दोस्तों आंतरिक जो सेगमेंट है, फंडामेंटल जो है, मार्केट कैप जो है उस पर यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ का जो असर है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कंपनी की जो प्रमोटिंग होल्डिंग है वो भी दोस्तों लगभग यहाँ पे 76% की प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी टाइम जो है फंडामेंटल पॉजिटिव वे में रहने वाला है, तो बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग को सेलिंग करने की आवश्यकता नहीं। और जो ऑपरेटर्स की वजह से यहाँ पे सेल कर रहे हैं दोस्तों, उन शेयर होल्डर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पे सेलिंग जो है आप लोग को करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है फिर से आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम में आप लोग को शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट दोस्तों 17 जुलाई को भी आप लोगों को देखने को मिला, 17 जुलाई के बाद जो है लगभग 22 जुलाई तक यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। और फंडामेंटल काफी रिकवर यहाँ पे देखने को मिला। पर भले दोस्तों मार्केट में अभी टाइम जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी देखा जाए तो दोस्तों आज इंडियन मार्केट निफ्टी 50 पर भी दोस्तों बड़ी जो है दोस्तों गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, 114 अंकों की यहाँ पे जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। फिलहाल जो फंडामेंटल है वो दोस्तों रिकवरी अवेल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों मंडे को लेकर जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो ये देखने को मिल रहा है कि रिकवरी जो है वापस यहाँ पे मंडे को बन सकती है, और फिलहाल जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आ सकता है। वो किस वजह से देखने को मिल सकता है, क्यों दोस्तों कंपनी में लगातार जो है बाइंग ऑर्डर भी आज लगभग देखने को मिला, 3 लाख के आसपास का भाव जो है यहाँ पे बाइंग ऑर्डर देखने को मिला। सेलिंग ऑर्डर की अगर बात करना चाहूँ तो दोस्तों 15 लाख के आसपास की जो है सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिली। पर दोस्तों एंड मार्केट क्लोजिंग के वक्त की अगर बात की जाए तो उसमें आप लोगों को पता चला कि जो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पर यहाँ पे देखने को मिला है। तो मंडे को अब जो है दोस्तों वापस यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बड़ा देखने को मिलने वाला है, तो इस वजह से बड़ी जो है रैली आप लोग को फिर से नजर आ सकती है और फंडामेंटल काफ़ी यहाँ पे रिकवर हो सकता है। तो इसी वजह से मैं लगातार रिकमेंड यहाँ पे कर रहा था। फिलहाल दोस्तों आप लोग को चार्ट एनालिसिस की ओर लेकर चलता हूँ दोस्तों। और उससे पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अभी टाइम जो गिरावट की जो वजह यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो ब्रेकडाउन जो है दोस्तों वो यहाँ पे फिर से नजर आ रहा है। और मार्केट में दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन को तोड़ता हुआ फिर से यहाँ पे मार्केट जो है गिरावट हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मंडे को तो तेज यहाँ पे मिल सकती है, पर अगले जो वीक है उसमें आप लोग को गिरावट जो है वो यहाँ पे बड़ी नजर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर इस प्रकार की जो गिरावट यहाँ पे जो डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला उसमें यहाँ पे जो मार्केट की दोस्तों जो प्राइस है उसको जो है ब्रेकआउट भी करता हुआ जो है मार्केट नजर आया, तो इस प्रकार जो है फंडामेंटल आप लोग को काफी वीक यहाँ पे नजर आ सकता है अगर यहाँ पे देखा जाए।
तो यहाँ पे भी दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी, यहाँ पे सपोर्ट जोन लेके दोस्तों मार्केट यहाँ पे जंप किया था। पर यहाँ पे दोस्तों जहाँ जहाँ सपोर्ट जोन यहाँ पे बना वहाँ पर दोस्तों मार्केट में बड़ा जंप भी देखने को मिला। पर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों मान जरा कुछ अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक डाउन दे चुका है, मार्केट का जो सपोर्ट जोन था उसको भी यहाँ पे तोड़ चुका है। तो अभी के टाइम दोस्तों सपोर्ट जोन से नीचे जो है मार्केट यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है कंटिन्यूसली। दोस्तों जो चार ट्रेड है वो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है, और मंडे को फिर से यहाँ पे तेजी आने के बाद दोस्तों मार्केट जो है लगातार अगले वीक में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों इस शेयर के बारे में अपना जो भी बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई थी वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में जरूर से पिन कर देना, एनसेस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।